हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे टुडे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं किसी परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी सीखना है किसी परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो आ जाइए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाइए सीखते हैं किसी परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया 16%, ठीक है, 16% को हम रेशियो में कैसे लिख सकते हैं ये सीख रहे हैं, ठीक है। अगर पहले तो 16% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो रेशियो में उसे हम खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो है परसेंट का मतलब होता है 100, तो ठीक है, तो 16% को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 50, ये कटेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 16% को रेशियो में लिखेंगे तो 4:25, ठीक है, ये हो गया 4:25, 16% को हम 4:25 लिख सकते हैं। इसी तरीके से और कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे 15% अगर हमने ले लिया, ठीक है, 15%, तो 15% को हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 56% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 56/100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले वाले को किया था। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तो ये जो होगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 का परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 56% को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 14:25, तो ये 56% को फ्रैक्शन में हम 14/25 और रेशियो में 14:25 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने और कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे 15.5%, ठीक है, 15.5%, इसको जो है हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो जैसे सभी को 100 से डिवाइड करते, इसको भी करेंगे, पहले तो इसे प्रॉपर या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे रेशियो में क्या लिख सकते हैं ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो 15 2 30+1, तो 31/2 इसे हम लिख सकते हैं, 31/2, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को किया था, ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे या तो इस तरीके से लिख लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/1, ठीक है, 31/2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको 100/1 तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 31 बाई, इसको मल्टीप्लाई इससे 200, ठीक है, तो ये हो गया। तो 15 1/2% को हम लिख सकते हैं रेशियो में 31, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 31/200 और रेशियो में लिख सकते हैं 31:200, ठीक है। इसके अलावा जैसे और कोई क्वेश्चन ले लिया, अगर 20%, ठीक है, 20% को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 20% को इसको जो है 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो और फ्रैक्शन को हम आसानी से रेशियो में लिख सकते हैं, तो ये हो गया, इसको डिवाइड कर दिए इससे, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20% को 1/5% लिख सकते हैं या 1:5 लिख सकते हैं रेशियो में। फिर इस तरीके से कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं,
72%, अगर 72% है, ठीक है, अगर 72% को हम रेशियो में क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, रेशियो में इसको भी जैसे पिछले को सभी को 100 से डिवाइड किया, तो इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, 72/100 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे तो इसे रेशियो में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 18/25, ठीक है, 18/25, हाँ, 18 4 72 25 4 100, ठीक है, तो इसको जो है 72% को फ्रैक्शन में 18/25 लिख सकते हैं, और रेशियो में इसी को लिख सकते हैं 18:25, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।